हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल लाइक इट एंड शेयर इट फॉर योर क्वेरीज ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स हेलो एवरीवन दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर फॉर फोटो केमिस्ट्री हम चार लेक्चर फिनिश्ड किए हैं लास्ट हमने डायपाई रीअरेंजमेंट देखा था ओके इस लेक्चर में हम लोग तीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखेंगे दैट फर्स्ट इज ऑक्जो डाइपाई रीअरेंजमेंट इट इज़ वेरी सिमिलर टू डायपाई रीअरेंजमेंट रदर देन ऑक्जो डाइपाई इज इजी देन डायपाई रीअरेंजमेंट सेकेंड इज ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट एंड थर्ड इज फ्राइज रीअरेंजमेंट फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट ओके तीनों रिएक्शन सिंपल है इजी है फोर मार्क्स के लिए वो नेट में कभी नहीं पूछे जाते हैं नेट सेट गेट में जो टू मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन बी में जो क्वेश्चन रहते हैं टू मार्क्स के उसमें यह तीनों रियरेंजमेंट में से एक रियरेंजमेंट बहुत बार पूछा गया है कोई भी एक फोटोफ्राइज हो, हो सकता है या ल्यूमिकिटोन हो सकता है या ऑक्सोडाइपाई हो सकता है ओके सॉरी डायपाई की रिया डायपाई की हम रिविजन करते हैं डायपाई में हमने क्या देखा था ऐसा स्ट्रक्चर देखा था ओके वन टू थ्री फोर वन फोर पोजिशन पे डाइन और ये जो तुम लोगों की थर्ड पोजीशन है वो सब्सट्रेटेड रहती है या नॉट सब बिना सब्सट्रेशन कैसे भी रह सकती है बट ये ऐसा चाहिए ही और ये जो कार्बन है तुम लोगों का वो कार्बन एस पी थ्री हाइब्रेडाइज चाहिए सो दैट इज नथिंग बट यूर डायपाइ रिअरेंजमेंट ओके सो वॉट इज ऑक्सर डायपा रिअरेंजमेंट सेम स्ट्रक्चर चाहिए वही कंडीशन वन फोर पोजिशन पर तुम लोगों को डबल बॉन्ड चाहिए ओके एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन चाहिए बट यहाँ ये जो वन फोर डाइन है उसमें से एक कोई कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप होने के होना होना चाहिए एक कोई कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए ठीक है सो दैट इज़ नथिंग बट ऑक्जो डाइपाई क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है क्या कंडीशन मैंने बोला सेम कंडीशन सिर्फ एक डबल बॉन्ड अल्किन दूसरा डबल बॉन्ड किसका होना चाहिए कार्बोनिल का होना चाहिए दैट्स वैट इज कॉल्ड एज ऑक्जो डायपाई रिएक्शन हम लोग पहले एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे फिर दूसरे दो एग्जाम्पल्स देखेंगे ओके सो ऐसा स्ट्रक्चर है इसको देख के समझ में नहीं आता है हा? ये हैबिट रखो कि पहले स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से लिखो यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर को देखो ये एक डबल बॉन्ड है ये एक डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में क्या है sp3 थ्री हाइड्रोडाइज कार्बन है सो दैट मीन्स इट इज डाइपाई रीअरेंजमेंट और एक ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड डबल बॉन्ड है दैट मीन्स इट इज ऑक्सो डाइपाई रीअरेंजमेंट ओके तो इसको पहले अपने हिसाब से लिखो तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला मैंने यहाँ लिखा ये वाला डबल बॉन्ड सो ये तुम लोगों का एस पी थ्री हाइबाइस कार्बन और ये दूसरा डबल बॉन्ड लिखा हमेशा अपने हिसाब से लिखो स्ट्रक्चर को फिर सॉल्व करो तो ईजी जाता है क्योंकि हमें एक हैबिट रहती है ओके okay? तो ईजी जाता है टाइम कम लगता है सो so फर्स्ट इस पर लाइट आती है ऐसे कंसिडर करो okay? कैसे ब्रेक होगा एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ सो ये ऑक्सीजन रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ ओके okay, चार रेडिकल्स ऐसे हो okay. गए अब ये जो दो रेडिकल्स हैं एस पी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन के नीचे वाले वो क्या फॉर्म करते हैं बॉन्ड फॉर्म करते हैं और हमें एक ट्रायंगल मिलता है साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलती है अब हमारा क्वेश्चन है ब्रेक कहाँ से करना है यहाँ से करना है कि यहाँ से करना है बट ऑक्सोडाइपाई में वो क्वेश्चन नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि तुम लोग कार्बन का फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल अगर कंपेयर करते हो तो ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा हमेशा okay? ओके ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा उसके ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है उसके ऊपर हमने फ्री रेडिकल डाला है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा ओके okay? तो हमेशा ऑक्जोडाइपाई में ऑक्सीजन के साइड वाला जो बॉन्ड है उसी को ब्रेक करना है सो नो कन्फ्यूजन सो इसको हमने ब्रेक किया अभी इसको ब्रेक किया तो कैसे स्ट्रक्चर मिला देखो ये हमने ब्रेक किया सॉरी ये हमने ब्रेक किया यहाँ डबल फ्री रेडिकल यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल तो यहाँ एक फ्री रेडिकल है यहाँ एक फ्री रेडिकल है राइट right? अब ये और ये फ्री रेडिकल मिलके मैं यहीं पे करती हूँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे ओके okay? और ये और ये फ्री रेडिकल मिलके बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो तुम लोग कैसे लिख सकते हो ये मैं लिखती हूँ डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ देखो पहले ऐसे ही लिखती हूँ ताकि तुम लोग कन्फ्यूज ना हो जाए फिर और फॉर्म में लिख के बताती हूँ सो डायरेक्ट तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी तुम लोगों को ऑप्शन दिख सकता है या इसी ऑप्शन को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो ओ डबल वन यहाँ देखो ये यह कार्बन है फिर उसके ऊपर ये सी एच है ये जो सी एच है तुम लोगों का वो सी एच है और ये सी एच से तुम लोग ये रेडिकल और ये रेडिकल ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल दोनों मिक्स हो जाते हैं सो so, ये भी याद मतलब बहुत बार तुम लोगों के ऑप्शन में हम लोग ऐसा ड्रॉ करने ड्रॉ करते हैं ऐसा भी पूछा जाता है तो उसको ऐसे लिखने की आदत रखो कोई भी ऑप्शन तुम लोगों को मिल सकता है सो दैट इज ऑल अबाउट योर ऑक्जो डाइपैरी अरेंजमेंट ओके बोर्ड ठीक है सो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग स्टार्ट करो मैं बताती हूँ तुम लोग स्टार्ट करो इजी एग्जाम्पल है सॉरी ऐसे नहीं है ऐसे है राइट सो दिस इज योर डबल बॉन्ड दिस इज योर डबल बॉन्ड यहाँ बीच में एसपी थ्री हाइब्रेडाइज कार्बन है तो दैट मीन्स डायपाइरी अरेंजमेंट एक कार्बोनिल ग्रुप है दैट मीन्स इट इज ऑक्जो डायपाइरी अरेंजमेंट कैसे स्टार्ट करोगे सपोज इस पर लाइट डाला हमने तो ये एक फ्रेडिकल देगा यहाँ एक यहाँ एक फ्रेडिकल यहाँ एक फ्रेडिकल कैसे फॉर्म होता है देखो स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा होने दो बहुत बार ऐसा होता है रादर मैं हमेशा बोलती हूँ जितना बड़ा स्ट्रक्चर रहता है उतनी रिएक्शन ईजी रहती है ओके okay? क्योंकि उसमें फिर कंसेप्ट देना कम हो जाता है वो स्ट्रक्चर बड़े में बड़े से घबराना नहीं है वो जैसा है वैसा ही लिखो हमें सिर्फ इस पर काम करना है तो ये वो हुआ यहाँ एक फ्री रेडिकल हमें मिला है यहाँ एक फ्री रेडिकल मिला है यहाँ एक फ्री रेडिकल मिला है यहाँ एक फ्री रेडिकल मिला है ओके तो ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारा sp3 थ्री हाइब्रेडाइस कार्बन है राइट right? उनके नीचे वाले जो फ्री रेडिकल्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं और ट्राइंगल फॉर्म करते हैं हुआ हमारा ट्राइंगल फॉर्म अब जब ट्राइंगल हम जहाँ से फॉर्म करते हैं उसके ऊपर वाले बॉन्ड में हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये ब्रेक करेंगे क्योंकि ये ब्रेक करेंगे बट इट इज ऑक्जर्ड आईपाइ तो हमें सिलेक्ट नहीं करना है इट इज फिक्स्ड। ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ही ब्रेक होगा ऑक्सीजन की साइड वाला सो so, ये बॉन्ड ब्रेक होगा सॉरी सॉरी ये बॉन्ड ब्रेक किया हमने राइट right? तो यहां एक फ्री रेडिकल यहां एक फ्री रेडिकल और हमारा ऑलरेडी यहां फ्री रेडिकल था तो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल मैं लिख के ही बताती हूँ तुम लोगों को सो so, ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल कनेक्ट हो जाएगा ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल कनेक्ट हो जाएगा यहाँ देखो राइट डबल बॉन्ड और यहाँ एक फ्री रेडिकल है यहाँ एक फ्री रेडिकल है कनेक्ट हुआ सो दिस इज अवर आंसर बट जनरली ये ऐसा आंसर दिया है बट सेम टू सेम तुम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा इसी स्ट्रक्चर को प्रॉपरली लिखा जाता है प्रॉपर फॉर्म में अब यहाँ देखो ये एक फाइव मेंबर रिंग है तुम लोगों की वन टू यहाँ देखो ये एक ट्रा है थ्री मेंबर रिंग फिर वन टू थ्री फोर फाइव ये एक फाइव मेंबर रिंग है वन टू थ्री फोर फाइव मतलब दो फाइव मेंबर रिंग है और उसके बीच में एक थ्री मेंबर रिंग है तो मैं भी तुम लोगों को स्ट्रक्चर ऐसा भी दिया जा सकता है या तो ऐसा दिया जाएगा यहाँ देखो ऐसा ही स्ट्रक्चर है वो सिर्फ मैंने ये इसको उल्टा करके लिखा है और ये अगर थ्री मेम्बर रिंग है तो थ्री मेम्बर रिंग का ये थ्री मेम्बर रिंग है राइट ये थ्री मेम्बर रिंग उसके बाजू में कार्बोनिल ग्रुप तो ये कार्बोनिल इंग्रोड सो दिस टू स्ट्रक्चर्स आर सेम बट एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा ये नहीं दिया जाएगा हम लोग प्लेन स्टार्ट स्टार्ट किए तो हमें ऐसा मिला है इसकी हैबिट रखो इसको समझने की हैबिट रखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्शन तुम लोग आराम से सॉल्व करते हो ओके सो नेक्स्ट विल गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग स्टार्ट करो बहुत ईजी एग्जाम्पल है नो एनी कन्फ्यूजन डिरेक्ट तुम लोग आंसर लिख सकते हो उसका ओके सो डबल बॉन्डो डबल बॉन्ड ओ सॉरी डबल बॉन्ड सिर्फ ये डबल बॉन्ड ओ थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है बड़े स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है तो अगर स्ट्रक्चर बड़ा तो रिएक्शन ईजी ऐसा कंसेप्ट रहता है ओके okay? सो so, हमने इस पर लाइट डाला ये डायपाई ही है एक डबल बॉन्ड विथ कार्बोन एल ग्रुप एक डबल बॉन्ड दोनों के बीच में एसपी थ्रे हाईबेडाइस कार्बन वो कितना भी सब्सट्रेट होने दो सिर्फ उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए ओके okay? सो so, इसको ब्रेक किया इसको ब्रेक किया इसको ब्रेक किया इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया. क्या मिला हमें ये जैसा है वैसा का वैसे लिखो इस पर रेडिकल आया एच इस पर रेडिकल आया ओके अब ये जो ब्रेक हुआ है ये एक फ्री रेडिकल ये एक फ्री रेडिकल ओके ये जो फ्री रेडिकल है sp3 थ्री कार्बन के नीचे वाले ओके उसको हम लोग कनेक्ट करके साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेंगे जैसे साइक्लोप्रोपिन रिंग बनती है हम लोगों को जो हमने बॉन्ड ड्रॉ किया है उसके ऊपर के दोनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक करना है ऑक्सीजन है तो उसी साइड का ब्रेक होगा क्यों मैंने बताया तुम लोगों को ओके okay? अभी इसको इसको और इसको कनेक्ट करना है इसको और इसको कनेक्ट करना है यहाँ देखो इसको मिला ये डबल बॉन्ड वापस सॉरी ये ब्रेक हुआ है ये ऐसे कनेक्टेड है राइट right? ये ब्रेक हुआ है वही हमने ब्रेक किया ना सो पी एच जी ये जैसा है वैसा ही लिखो स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस मत करो ओके okay? अब देखो डबल बॉन्ड ये 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 बॉन्ड मैंने ये हमारा कार्बन है ये वाला ये बॉन्ड मैंने ऐसे लिखा और ये पी एच वाला ऐसे लिखा जैसा है वैसा लिखा फिर ये दोनों को कनेक्ट किया सो दिस इज़ अवर आंसर सो दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सोटाइप रीअरेंजमेंट इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इजी रिएक्शन से ओके सो नाउ वी मूव टू वर्ड ल्यूमिकिटोन रियाजमेंट ओके सो दिस इज अवर ल्यूमिक्यटोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है इस स्ट्रक्चर को देखो ओके दैट इज फिक्स स्ट्रक्चर ये जो मोइटी है ना दिस ये लिमिक्यूटोन की मोइटी है साइक्लिक कीटोन विथ कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड ये रहता ही है तभी ये रिएक्शन होती है दैट इज ल्यूमिक्यूटोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन सो ये बहुत जल्दी आराम से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ईजिल बता सकते हैं कि यहाँ ल्यूमिक्यूटोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बहुत ईजी है एक बार पहला रिएक्शन ठीक से समझो तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो ओके okay? तो ये है हमारा ल्यूमिक्यूटोन कीटोन कीटोन रहेगा ही साइक्लिक कीटोन रहेगा उसके कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड रहेगा ओके सो पहले लाइट तुम लोग जब डालोगे क्या होगा यहाँ एक फ्रेडिकल फॉर्म होगा यहाँ एक फ्रेडिकल यहाँ एक फ्रेडिकल यहाँ एक फ्रेडिकल ओके okay? सो so, मैं लिखती हूँ फ्रेडिकल्स फिर बताती हूँ कहाँ से क्या कनेक्ट होंगे ऑक्सीजन का ऐसा ही रहेगा ये एक फ्रेरेडिकल ये एक फ्रेडिकल यहाँ एक, यह एक, यह एक फ्रेडिकल बाकी मोलिकुल जितना भी बड़ा देने दो उसको वैसे का वैसे लिखो हमें सिर्फ इस पे काम करना है ओके okay? अब ये जो फ्रेडिकल्स है वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं इसके बाद इसके बाद वाला एक स्टेप वही इंपॉर्टेंट है वही मिस्टेक होती है तो उसको ठीक से समझो बहुत स्टूडेंट अलग अलग टाइप से समझते हैं जैसे यहाँ अगर नंबरिंग करते हैं रिंकॉम वन टू थ्री फोर फाइव तो हमेशा ये जब तुम लोगों का इतना हो जाता है दोनों बॉन्ड ब्रेक करके एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल रहता है यहाँ एक कार्बन फ्री रेडिकल रहता है उसके बाद वाला स्टेप क्या फोर फाइव को ब्रेक करना है तो इसको नंबरिंग से याद रखते हैं बट मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ ईजीली ये जो डबल बॉन्ड हमने फॉर्म किया है उसके सामने वाले को ब्रेक करना है इसके सामने कौन है ये वो अगर तुम लोगों ने काउंट किया तो वही आएगा फोर फाइव तो मैं ऐसे याद रख सकती हूँ तुम लोग फोर फाइव से भी याद रख सकते हो तो ये जो डबल बॉन्ड हमने फॉर्म किया उसका सामने वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और जब ब्रेक हो जाएगा तो हमें एक फ़ाइव मेम्बर रिंग मिलेगी जब ब्रेक होगा तो हमें एक हमारा यहाँ एक फ्रेडिकल था यहाँ एक फ्री रेडिकल है तो जब ये ब्रेक होगा हमें एक फ़ाइव मेमर रिंग मिलेगी मैंने जो बोला है वो याद रखो ये कि इसके सामने वाला ब्रेक होगा जब ब्रेक होगा फाइव मेंबर रिंग मिलेगी तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ये डबल बॉन्ड वैसा का वैसा इस पर अभी भी फ्री रेडिकल है इस पर अभी भी फ्री रेडिकल है इसको हमने ब्रेक किया तो यहाँ एक फ्री रेडिकल मिला इसको हमने ब्रेक किया ये ब्रेक किया ना यहाँ एक फ्रेट तो यहाँ एक फ्रेड ये आर आर वैसे ही जब ये ब्रेक होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं मिलता है यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस है यहाँ डबल बॉन्ड नहीं मिलता है हमें फाइव मेंबर रिंग मिलती है मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आई बात समझ में हमें फाइव मेंबर रिंग मिलती है मतलब ये दोनों डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाते हैं अब अब लास्ट स्टेप में जो डबल बॉन्ड हमने फर्स्ट स्टेप में फॉर्म किया उसी को ब्रेक करना है मतलब ये कीटोन रीअरेंजमेंट है ना तो एंड में कीटोन वापस आ जाता है ओके तो अगर कीटोन को वापस हमें लाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा ओके तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो कीटोन वापस आ जाएगा यहाँ एक फ्रेडिकल है यहाँ एक फ्रेडिकल है वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे यहां देखो सो so, इसके प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है फाइव मेंबर रिंग प्लस थ्री मेंबर रिंग सो ये रिटर्न मिला तो यहाँ एक फ्रेडिकल ये एक, एक फ्रेडिकल आर आर ओके सो ये कैसे कनेक्ट होता है इसको मैं ऐसा उल्टा करके लिखती हूँ तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखो ये वैसा कब वैसा यहाँ एक फिरेडिकल है इस स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखा आर आर तो ये रेडिकल, ये रेडिकल, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा सो दैट इज अवर प्रोडक्ट कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है तुम लोग अगर सब्जेक्टिव कुछ सॉल्व कर रहे हो तो ऐसे ही लिख सकते हो बट एग्जाम में जनरली ऐसे ये फिराडिकल ये फिराडिकल दोनों को कनेक्ट किया ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है फाइव मेंबर रिंग के ऊपर एक थ्री मेंबर रिंग उसको तुम लोग इसी रिंग को मैंने ट्विस्ट करके ऐसे लिखा है तो तुम लोग डायरेक्ट करके ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो बट एग्जाम में जनरली ये आंसर एम वाले में ये आंसर नहीं देते हैं ये आंसर देते हैं दोनों सेम ही है मैंने स्ट्रक्चर ट्विस्ट करके लिखा है ओके सो दैट इज ऑल अबाउट लिमिक रियाजमेंट सो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स तुम लोग स्टार्ट करो ईजी है कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये आज के तीनों रिएक्शंस इस लेक्चर के बहुत ईजी रिएक्शंस हैं सो क्या है स्ट्रक्चर देखो हमारे रूल्स अप्लाई करने हैं और सॉल्व करना है स्ट्रक्चर कितना भी बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड होने दो हमें अपने रूल्स नहीं भूलने हैं इस रिएक्शन के लिए ओके okay? सो so, पहले हम लोग जब इस पर लाइट आएगी ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल यहाँ का बॉन्ड बनाएंगे पहले मैं फ्री रेडिकल फॉर्म में लिखती हूँ फिर बॉन्ड बना के दिखाती हूँ यहाँ रेडिकल फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल ये वाले दो ये वाले दो रिमेनिंग स्ट्रक्चर एज इट इज जैसा भी होने दो उसको एज इट इज लिखना है तो ये दो फ्री रेडिकल मिलकर क्या बनाएंगे डबल बॉन्ड अभी हमें एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना है कौन सा सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के सामने वाला और जब वो ब्रेक होगा फाइव मेंबर रिंग फॉर्म करनी है यहाँ लिखते हूँ मैं इसको हम लोग इसको हमने ब्रेक किया नेक्स्ट स्टेप में ओके तो यहाँ एक फ्रेडिकल मिला सॉरी यहाँ एक फ्रेडिकल मिला हमें ठीक है ये जैसा है वैसा ही लिखो ये फ्री रेडिकल जब ये फिर रिंग ये ब्रेक होता है तो मैंने बोला है फाइव मेंबर रिंग फॉर्म होती है मतलब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ओके अब जब ये कनेक्ट हुआ अब हमें क्या करना है हमें हमारा कीटोन वापस चाहिए हमें हमारा कीटोन अगर वापस चाहिए तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो हम लोग उसको ब्रेक करेंगे और हमारा कीटोन हमें रिटर्न मिल जाएगा और रिमेनिंग फ्री रेडिकल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड ओ तो यहाँ रेडिकल ये फ्रेडिकल तुम लोग डायरेक्ट एरो दिख के भी सॉरी यहाँ नहीं यहाँ डायरेक्ट एरो लिख के भी इसको कनेक्ट कर सकते हो या उसको थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हो इसको ही मैं ऐसा लिखूँगी सो so, यहाँ हमारा फ्रेडिकल है इस फ्रेडिकल को मैं ऐसा देखती हूँ तो so, ये ये फ्री रेडिकल हमारा ओके okay? तो so, ये फ्री रेडिकल दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ओके सो दैट इज़ अवर प्रोडक्ट ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल तुम लोग स्टार्ट करो ओके ओकेजी एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं ना और मैंने तुम लोगों को जो पूछे हैं कभी कभी सेट नेट गेट में वही एग्जाम्पल्स मैं तुम लोगों के लिए उठाए हैं सो दिस इज़ अवर लास्ट एग्जाम्पल फॉर ल्यूमी किटोन रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर कैसा भी होने दो हमें हमारे रूल्स फॉलो करने हैं सो so, जब लाइट डालोगे तुम लोग यहीं से स्टार्ट करती हूँ मैं ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ देखो रिंग है फिर भी तुम लोगों को कीटोन है उसके कॉन्जुकेशन में डबल बॉन्ड है दैट इज़ फिक्स्ड मोइटी वो फिक्स्ड मोइटी है वैसी ही रहेगी ओके तो हाँ फिर रेडिकल में ड्रॉ करती हूँ फिर कनेक्ट करती हूँ लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ओके सो ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल इसके बाद ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल ये हमने ब्रेक किया है तो ये और ये एक दूसरे से कनेक्ट होके बॉन्ड बनाएंगे ओके okay, अब ये बॉन्ड बना बॉन्ड बनने के बाद हमने क्या रूल सेट किया है जहां हमने बॉन्ड बनाया उसके सामने वाले को ब्रेक करके फाइव मेंबर रिंग बनाएंगे तो इसके सामने वाला कौन है ये ये बॉन्ड तो ये ब्रेक होगा नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे होगा ये ऐसे ही है ये ब्रेक हुआ बाकी सब जैसा है वैसा लिख लो पहले तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसको हमने ब्रेक किया ब्रेक होने के बाद ये डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म करता है फाइव मेंबर रिंग फॉर्म करता है तो फाइव मेंबर रिंग कौन फॉर्म करेगा ये और ये हमारी फाइव फॉर्म ओके अब हमें कैसे सोचना है हमारा कीटोन रीअरेंजमेंट है तो हमें हमारा कीटोन वापस चाहिए अगर हमें हमारा कीटोन वापस चाहिए तो हमें यह बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा so, यह बॉन्ड जब हम लोग ब्रेक करेंगे यह देखो यह फाइव मेंबर रिंग है फाइव मेंबर रिंग को यह सिक्स मेंबर रिंग सॉरी तुम लोग डायरेक्ट भी ऐसे दिखा सकते हो बट अभी हमने लिखा है इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ तुम लोगों को यहाँ यहाँ ये यह वापस आ okay? जाए ओके और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा यहीं पे मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ओके सो दैट इज़ योर प्रोडक्ट सो दिस इज़ योर आंसर इसको इस फॉर्म में भी तुम लोगों को लिख के मिल सकता है यहाँ देखो ये यह तुम लोगों की फाइव मेम्बर रिंग है फाइव मेंबर रिंग अगर तुम लोग डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ करते हो तो काउंट करो वन टू थ्री तो थर्ड पोजीशन पे वन टू थ्री थर्ड पोजीशन पे तुम लोगों को ये मिलेगा सिक्स मेंबर रिंग ओके फोर और थ्री सॉरी और जहाँ तुम लोगों ने सिक्स मेंबर रिंग ड्रॉ की है सॉरी सिक्स मेंबर रिंग ड्रॉ की है उसका जो नेक्स्ट कार्बन है ये वाला कार्बन और सेकेंड कार्बन यहाँ तुम लोगों को कनेक्ट करना है मतलब इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है यहाँ मिस्टेक्स होते हैं क्रॉस चेक करना है तुम लोगों को अगर तुम लोग ये करते हो वन टू थ्री फोर फाइव ओके और यहाँ भी नंबरिंग करते हो इस थ्री के बाद में यहाँ से नंबरिंग करते हो तो देखो थर्ड जो थर्ड तुमने लिखा है और सेकेंड इसके बीच में और दूसरा सेकेंड ये वन अगर मैं इस सिक्स मेंबर को यहाँ मैंने वन बोला तो ये जो वन है ये वन वन और टू के बीच में भी ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल वही बनना है जहां हमने यहां बनाया है इसको हमेशा क्रॉस चेक करना क्योंकि यहां ऐसा आंसर तुम लोगों को कोई नहीं देगा एग्जाम में ऐसा आंसर आएगा तो तुम लोग जब सॉल्व करोगे ना तो ये मिलेगा तो उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे आना चाहिए इसमें भी यहाँ राधे ऐसे रिएक्शंस में यहीं पर मिस्टेक्स होते हैं ओके सो दैट इज ऑल अबाउट ल्यूमी कीटोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन सो नेक्स्ट इज फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन फोटो नहीं नेम रिएक्शन में एक रिएक्शन है दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट ओके फ्राइज रियरेंजमेंट सेम रिएक्टेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री दट इज लेस एसिड ओके इसका मैकेनिज्म और इसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है तो अगर मैं ए एल सी एल थ्री का मैकेनिज्म तुम लोगों को बताऊंगी तो तुम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा या वो थोड़ा उसमें आयन से पॉजिटिव नेगेटिव वो सब चार्जेस है तो हमने फोटो केमिस्ट्री में चार्जेस की बात नहीं की है और मुझे इस चैप्टर को डिफिकल्ट नहीं बनाना है या चार्जेस के इसमें नहीं लेके जाना है इसलिए मैं तुम लोगों को फ्राइज़ मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी मैं सिर्फ फोटो फ्राइज़ रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना है वो तुम लोगों को बताऊंगी ताकि तुम लोगों को ईजी लगे और इसका मेकेानिज़म तुम लोगों के एग्जाम्स में कोई नहीं पूछता है और पूछता भी है तो तुम लोग जब हम लोग फ्राइज़ रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो तुम लोगों को ये ए एल सी एल थ्री वाला मेकेानिजम मैं तभी पढ़ाऊंगी अदरवाइज तुम तो हां कंफ्यूज हो जाओगे ओके सो वेरी सिंपल रिएक्शन तुम लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताती हूं इसको सॉल्व कैसे करना है यहां देखो तुम तो लोगों की जो रह गई ये एरोमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ओके एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग रहेगी ही और उस एरोमेटिक रिंग पे ऊपर एटम रहेगा जिसके ऊपर लोन पेयर्स रहते हैं जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट करते हैं राइट तो वो ऐसे ऐसा हेट्रो एटम रहेगा जो लोन पेयर डोनेट करता है फॉर एग्जाम्पल यहां देखो ऑक्सीजन इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ ओके okay? तो जब एरोमेटिक रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्सटूंट जैसे रहता है तो उसके औरदो और पैरा पोजिशन एक्टिव हो जाते हैं ये हमने पढ़ा है बेसिक केमिस्ट्री में ओ कौन से पोजिशन एक्टिव है औरदो एंड और पैरा अगर वही मैं एनओ टू लिखती हूँ कौन सा पोजिशन एक्टिव है मेटा ओके okay? तो यहाँ हम लोग जब प्राइज रिअरेंजमेंट फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो तुम लोगों को एक एरोमेटिक रिंग मिलेगी जिसको सब्सटेंट होगा ऐसा सब्सटेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस एरोमेटिक रिंग के और दो और पैरा पोजिशन क्या रहते हैं एक्टिव पोजिशन रहते हैं मतलब तुम लोग जो भी रिएक्शन करोगे वो उसी पोजिशन पर करोगे तो सिंपली तुम लोगों को कैसे याद रखना है यहाँ देखो यहाँ हर जगह एक हाइड्रोजन है यहाँ नहीं है तो ओ सी ओ सी एस थ्री तो यहां का एक हाइड्रोजन ओके okay? पहले और दो पोजिशन पे साइमल्टेनियसली पैरा पोजिशन पे भी रिएक्शन होगी इसमें प्लस प्रोडक्ट मिलता है हा? यह हाइड्रोजन भी एक्टिव है यह हाइड्रोजन एक्टिव है यह हाइड्रोजन एक्टिव है इस केस में क्या होगा ये ब्रेक होगा और यहां ये यह ब्रेक होगा ऐसे याद रखो तो ये जो एच फ्री रेडिकल फॉर्म होगा वो रेडिकल ऑक्सीजन के पास जलाया जाएगा और ये जो रेडिकल है वो यहां चला आएगा मैं तुम लोगों को बताती हूँ फिर कनेक्ट करवाती हूँ तुम लोगों को समझ में आएगा यहाँ फ्री रेडिकल हुआ और बाद में क्या फॉर्म हुआ सी ओ सी एच थ्री ये एक फ्री रेडिकल है तो यहाँ एक फ्री रेडिकल और यहाँ एच एक फ्री रेडिकल ओके okay? तो ये एक्सचेंज हो जाता है एच वाला फ्री रेडिकल यहाँ चला जाता है सी ओ सी एच थ्री वाला नीचे आता है ओके सो ओ एच सी ओ सी एच थ्री सेम यहाँ भी यहाँ ओ फ्री रेडिकल एच रेडिकल कनेक्ट हो जाएंगे कार्बन वाला फ्री रेडिकल सी ओ सी एच थ्री वाला कनेक्ट हो जाएंगे सो ओ एच और यहाँ आएगा सी ओ सी एच थ्री सो दिस इज योर प्रोडक्ट प्लस एक और दो प्लस करके लिखना ही है तुम लोगों को जो भी आंसर लिखे आएगा वो प्लस करके ही आएगा एक आंसर और दो रहेगा एक आंसर पैरा रहेगा और एक आंसर प्लस करके रहेगा ऐसे प्लस वाले आंसर बहुत कम रहते हैं क्योंकि जनरली मेजर वाइनर का फंडा रहता है बट यहाँ ऐसे नहीं है दोनों आंसर रहेंगे ओके अब इन दोनों को सॉल्व करो इजी है सेम वैसे ही सॉल्व करना है पहले पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है और दो और पैरा रिमेनिंग पार्ट इज़ वेरी इजी यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं सो दिस इज़ औरदो पोजिशन एंड दिस इज़ पैरा पोजिशन ओके okay, ये एस है तो जब लाइट डालोगे यहाँ एक फ्रेडिकल यहाँ एक फ्रेडिकल पहले और दो पे अगर तुम लोग करते हो यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन ओके okay? तो कैसे आएगा देखो तुम लोगों का प्रोडक्ट सॉरी एरोमेटिसिटी को टच नहीं करना है ये ओ OH एच हो जाएगा राइट right? ये हाइड्रोजन पहले हम और दो प्रोडक्ट लिखे हाइड्रोजन यहां चला गया वो हाइड्रोजन चला गया तो एसओ थ्री एम नीचे आ गया ओके okay? अब सेम ओ एच हो जाएगा ये एसओ थ्री एम ई ये एच यहाँ चला जाएगा एसओ थ्री एम यहाँ चला आएगा ये जनरल नेट सेट में नहीं पूछते हैं कभी बट तुम लोग अगर एम एस सी बी पढ़ रहे हो तो ये एग्जाम्पल्स कंप्लीट द रिएक्शन में रहती है एन ये ब्रेक हो जाएगा दोनों का और एनएच एन एच सॉरी एन एच ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ एन एच टू आ जाएगा ये एन एच टू हो जाएगा अगर हम और दो पे करते हैं तो और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाए, सी ओ ए में -E नीचे आ जाएगा सेकेंड में क्या होगा यहाँ पर नहीं यहाँ पे रिएक्शन होगी सो so, प्लस करके ये प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ एन एच टू और, और पैरा पोजिशन पे सी ओ एम सो दैट इज ऑल अबाउट फ्राइज फोटो फ्राइज फोटोफ्राइज़ फोटो फ्राइज एकदम ईजी है और दो पोजिशन पैरा पोजिशन आइडेंटिफाई करनी है कट करना है और वहाँ ले आना है और जहाँ से जहाँ लगाया है वो वाला हाइड्रोजन ऊपर चला जाता है ओके थैंक यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक इट एंड शेयर इट थैंक यू